हेलो बॉयज़, वेलकम टू द चैनल। बॉयज़, सीन कुछ यूँ है कि रात की तरीकी में हम इस टाइम निकले हैं एक मिशन पे, और जब भी हमने कोई गाड़ी लेनी होती है या कोई मिशन पे जाना होता है, कोई रेस होती है, हम इस टाइम ही निकलते हैं। और हम हैं रात के पुजारी जी। अच्छा, अब सीन कुछ यूँ है कि हम एक गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं लाहौर। ठीक हो गया? ठीक है। और क्या नाम है जी? मैं शरोज तैयब। हम लाहौर जा रहे हैं। लाहौर जाते हुए सीन ये हुआ है कि हमें फ़ोन आया हमारे दोस्त जैन का, हमारे पीरो मुर्शिद आवाज भाई भी वहाँ आए हुए हैं, उनको भी मिलना है। शरोज का दोस्त शरोज सुल्तान भी वहाँ आया हुआ है। नाम मेरा। हाँ, इनका हम नाम नाम भाई मेरा। और देखते हैं वहाँ जाके डील होती है कि नहीं होती। शरोज, क्या लगता है क्या बनेगा? अल्लाह करे, खैर करे। मुझे बार्गेनिंग नहीं ना करनी आती, यही तो मसला है। तो अगले की खाल उतार देनी है तुम्हें। खाल मैंने क्या उतार दी? मुझे तो डील ही करनी आती। बिल्कुल डील नहीं करनी आती। अगले ने बाद पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगा के सोचना कि हुई क्या। तैयब हमारे साथ है। तैयब की गाड़ी भी, क्या नाम है, तैयब ने भी गाड़ी जब भी लेने जानी मुझे साथ लेके जाता है। शिरोज ने भी। बस हम लोग इस गाड़ी के पीछे कोई 15-20 दिन से थे। गाड़ी आपने गेस करनी है, गाड़ी है टू डोर और K24 स्वैप है गाड़ी में। और काफ़ी दिन से हम इस गाड़ी के पीछे थे। गाड़ी वाला ऑनर मान नहीं था रहा, क्योंकि पैसों का डिफरेंस कुछ ज़्यादा था। अब वो फाइनली पता नहीं अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाल दिया है, या हमारी ऑफर उसको पसंद आ गई है, या पता नहीं क्या सीन हुआ है। तो फाइनली वो बंदा मान गया और अब हम लाहौर जा रहे हैं। और साथ हमारे दोस्त जैन, उसने कॉल की, कहता यार आ जाओ, हम लोग भी लाहौर आए हुए हैं। साथ उनको मिलेंगे, कुछ बातें डिस्कस करेंगे और आपको गाड़ी का रिव्यू दिखाएंगे, और उनसे भी जाके मिलते हैं और गाड़ी की ड्राइव वगैरह लेके आपको भी गाड़ी चेक करते हैं। तब तक आप गैस करें। और पहुँच चुके हैं। सबसे पहले मिशन ये है कि सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम पूजा। वीरा भाई पहुंच चुके हैं। उन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया, उन्होंने कहा जी बाहर बैठो जाके। उसकी शक्लें नहीं अंदर आने वाली, बाहर बैठो। इतना बड़ा मेन्यू है, इनको को हो गया मैं सारा याद। जो जहाँ सुनना सुन लो, मैं सारा याद हो गया। सारा ऑर्डर कर दिया, सारा हर चीज एक एक ले लो। चलो खाना आता है। हेलो बॉयज़, सीन ये है कि सोकर उठ गए हैं, अब गाड़ी देखने जा रहे हैं। जितनी गाड़ी की एक्साइटमेंट है ना, ये बंदा मेरी एक्साइटमेंट उतनी ख़राब कर रहा है। मैंने कहा जी, कहता 3 बज गए हैं, लेट तो पहले हो चुके हैं, पहले नाश्ता कर लें। मैं नाश्ता बाद में कर लेंगे, पहले गाड़ी देख लें। कहता नहीं जी, पहले पेट पूजा फिर काम हो जा। फिलहाल तो नाश्ता करने जा रहे हैं। शुरू कहाँ जा रहे हैं यार? मजंग मलंग जो भी है यार, ये कहता जी कि पहले निहारी हो जाए, नाश्ता हो जाए, फिर कहते जी कोई और काम करेंगे। जितनी एक्साइटमेंट है ना, ये बंदा खराब कर। मैं जाएगा एक बार गाड़ी जगह ट्राई करके देख ले। बंदा भी जिसे गाड़ी खरीदनी है पीछे, वो हमसे ज्यादा हमारा वेट कर रहा हूँ। लेकिन कहता नहीं जी, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। अब नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने बाद कहीं और जाते हैं। फाइनली गाड़ी की डील हो चुकी है। डील फील हो के पेमेंट वेमेंट कर दी है। गाड़ी की रफ कंडीशन भी गाड़ी डीलिंग मांग रही है, इसलिए गाड़ी हमने ड्राइवर का फैसलाबाद भेज दी है और खुद हम वहाँ से निकले। कुछ मीठा हो जाए यार, अभी मैंने तो शुरू भी नहीं किया था भाई। इस बंदे काम देख लो। गाड़ी आप लोग गेस्ट कर रहे हैं, और गाड़ी फैसलाबाद जाके डिटेलिंग पे चली जाएगी, और वहाँ पे जाके आपको सिनेमेटिक शॉट्स थोड़े बाद दिखाते हैं। और गाड़ी की ड्राइव, गाड़ी हर चीज़ बहुत ही कम है। बाकी ये कि हम फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और आपको सभी दिखाते हैं। और फाइनली गाइस, 3, 2, 1 हियर वी गो। ये है जी KRG। अब सब पूछेंगे KRG से क्या मतलब है। KRG से मुराद ये है ब्रो, ये गाड़ी CRG है और इसके अंदर 2.4 K24 स्वैप्ड है। कार का आउटलुक चेक करें। गाड़ी पे बिल्कुल भी काम नहीं करता, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हुआ था, काफ़ी दिनों से बीमार था, ऑलमोस्ट टोटल बेड रेस्ट पर था, और जिसकी वजह से गाड़ी पे बिल्कुल भी काम नहीं कर सका। गाड़ी का रिम्स का कलर चेक करें, फ्रंट वाला और है, बैक वाला और है। गाड़ी का इंटीरियर चेक करवाता हूँ आपको। हियर इट इज़। गाड़ी में गेजिश सारी लगी हुई हैं, फ्यूल, ऑयल टेम्परेचर और वाटर टेम्परेचर। और ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी गाड़ी जिसमें स्वैप हुआ हो, वो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको मैं इसके बाद इसका इंजन भी चेक करवाता हूँ। ये हमारी CRG पार्क्ड है घर के अंदर, और ये है मेरे नेबरहुड ताहा की आरकेट, बहुत खूबसूरत है। और कलर मुझे बहुत पसंद है, जीजी भी है। दिल तो मेरा करता है मैं गाड़ी बाय कर लूँ इस बंदे से, गाड़ी बहुत अच्छी है इसकी। हेलो गाइस,
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तहा की गाड़ी जेजी एन ए गाड़ी बहुत अच्छी है यार, मैंने इसके डोनट्स मारे हैं, गाड़ी बहुत अच्छी है इसकी। फॉर सेल है, ये सेल कर रहा है पर मेरे बजट में नहीं फिलहाल आ रही, वरना मैंने गाड़ी ले लेनी है, गाड़ी बहुत अच्छी है ये। वो एक हमने जीप खड़ी की हुई है, ये 3400 पेट्रोल 5VZ, इसका पेट्रोल आज के बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसका पूरा नहीं हो रहा। ये देखें जी, K24 स्वैप्ड है इस कार में, और ये गाड़ी मैक्स पार की स्वैप्ड है टोटल। इसमें पहले आई थिंक सो पता नहीं K20 था, लेकिन जब मैंने बाइक की है K24 है। गाड़ी की कंडीशन अभी काफ़ी रफ़ हुई हुई है, उसकी वजह ये है कि मैं टोटल भी बिल्कुल भी गाड़ी पर टाइम नहीं दे सका, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हुआ हुआ था। अब मैं ठीक हो गया हूँ शुक्र अल्लाह का। अब इस गाड़ी पे हम फोकस करेंगे, इस गाड़ी को तेज़ करेंगे, फ्लैश प्रो इंस्टॉल करेंगे, और टोटल इस गाड़ी पर वर्क करके काफ़ी देर से इस गाड़ी के पीछे था मैं, लेकिन ऑनर मान नहीं रहा था। वो कहता था भाई जितने ही ऑफ़र हम करवा रहे थे वो उतने पर वो मानता नहीं था, लेकिन अब वो फाइनली डील हो गई है। गाड़ी इस्लामाबाद नंबर है। इससे पहले मैंने एक हैच ली थी, हैच मैंने 2000 मॉडल वाली, नो डाउट हैच अपनी जगह ठीक होगी, मैं ये किसी को कंपेयर ये नहीं कहता, किसी गाड़ी को बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट नहीं करता, लेकिन जो एक नई गाड़ी की फील आपको आती है ना, ये 2012 मॉडल है और 16 की इम्पोर्ट है, और इस गाड़ी को, इस गाड़ी की ड्राइव, इस गाड़ी का कम्फर्ट लेवल, इस गाड़ी का एसी, आप कभी भी उस गाड़ी से कंपेयर कर ही नहीं सकते, और बहुत ही मज़ेदार हर चीज़। अब देखिए ना, एक और इसकी ड्राइव आप एक रीबॉर्न F2R से आप कंपेयर कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार ड्राइव है इस गाड़ी की। नए कार, नए रिम्स इंस्टॉल करेंगे उस पर, और गाड़ी की लुक चेंज करें। गाड़ी में एक अच्छी बात है, गाड़ी का बॉडी किट वगैरह सब चीज़ें प्लास्टिक की लगी हुई हैं, कोई भी चीज़ फाइबर की इस गाड़ी को नहीं लगी हुई। और एक बात अच्छी है ना यार, जो चीज़ जो मैं एक बात कहता हूँ ना, जो नए मॉडल की गाड़ी की फील है ना, वो आपको दूसरी गाड़ी में वो नहीं मिल सकती। लेकिन ना ये 11-12 मॉडल कार है, इसको आप मतलब एक सिविक 95 या उनसे आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। अब देखना इस गाड़ी का मीटर चेक करें, अब ये चीज़ें ये आपको कभी भी उन कार्स में नहीं मिल सकती, गाड़ी की फील, गाड़ी की हर चीज़ जो है ना वो एक न्यू कार वाली है। और इसलिए मैंने जो है ना हैच से सीधा इस पर जंप किया, और मैं इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस है, मैं किसी भी ये मैं बार बार रिपीट करूँ, मैं कभी भी ये नहीं कह रहा कि हैच इससे या ये हैच से सुपीरियर है या हैच इससे नीचे है कुछ भी, लेकिन ये हर बंदे की अपनी चॉइस है। वो ठीक है, वो टेक्नोलॉजी पुराने मॉडल की हो गई है 2000 की, ये इसको आप 220 25 30 पे चलाओ, इसको कुछ भी नहीं मसला होगा। हैच एक क्वार्टर माइल वाली कार है, मुझे डेली ड्रिवन या D15 के लिए वो बनी है, B16 के लिए बनी है, लेकिन ये देखें आप बैक सीट्स हर चीज़। बाकी आपको कैसा ये व्लॉग लगा, अभी इस गाड़ी के आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ, और कैसा आपको ये व्लॉग लगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबाओ, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अगले व्लॉग में आपको बहुत सारी जो है ना लेटेस्ट न्यूज़ भी देने वाला हूँ, पाकिस्तान में ड्रैग इवेंट होने वाला है, और वो न्यूज़ भी टोटल आपको हम जो है ना इस व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग में देंगे। बेहद रोली चेक कर गबरू दी बोली चेक कर अख चो तू लहर चेक कर किथे बहर चेक कर पहन क ना वैलियां ना यारी चेक कर रहदा असले ना लैस तू तैयारी चेक कर रहंदी थल्ले काली वैगन सवारी कर टायर गिठ बार नुकड़े चेक कर गड्डी दी चलाई चेक कर उठ चाह नाल खाती माड़ी चेक कर काडो फिरदे आ पुल्ला उत्ते चाड़ी चेक कर माइक हाथ च ते वजदी तू ताड़ी चेक कर मैं गा मित्रां दी बिल्लो सरदारी चेक कर मैं गा मित्रां दी बिल्लो सरदारी।